सुल्तानपुर में आज 3 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत की बड़ी वारदात सामने आई। दरअसल ये मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की 3 वर्षीय मासूम अपनी मां के साथ जब घर में सोई हुई थी, इस दौरान जब उसकी मां बाहर किसी काम से गई तो उसी वक्त एक 22 वर्षीय युवक उसके घर पहुँचा और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दी। इसी समय अचानक घर पहुँची माँ ये सब देख कर दंग रह गयी और उसने शोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद परिजनों ने भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और पीड़ित मासूम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर भेज दिया, लेकिन हालत गंभीर होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उस मासूम का इलाज जारी है। कौन थाने से आई आप? कादीपुर। का भा काहे आई है अस्पताल दिखावे? सर हम ग्रह रात देखे हमारे घर में कोई घुस गया और हमारे बच्ची बहुत परेशान के है, तो हम मौका देखे पकड़े दौड़े हमारे जेठौत पकड़ के तब जौन है बांधे नहीं। पकड़ा कहाँ है पुलिस? हाँ, के हवाले पकड़ा कहाँ है, थाने में बंद है। अच्छा हाँ, तो यहाँ का करे बच्ची के साथ आई है? दवाई करावे। कई साल के बच्ची आई? किस तरह बीती के बच्चा उठा लागवा। कादीपुर में घटना घटित थी उसके संबंध में? कादीपुर थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के साथ में एक युवक के द्वारा रेप का इंसिडेंट कारित हुआ है, तो तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जो आरोपी युवक था उसको पकड़ लिया गया है, बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया है, बाकी जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम संपन्न करवा रहे हैं। सर जो कार्यक्रम में घटना हुई उसके संबंध में? अभी यहाँ पर जिला महिला चिकित्सालय में मैंने और पुलिस अधीक्षक साहब ने विजिट किया है, हम लोग बच्ची से मिले हैं, उनकी कंडीशन स्टेबल है, उनको लेडी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट ने अटेंड कर लिया है, फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है, परंतु उनकी प्राइवेसी के लिए और उनके कंफर्ट के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि उनको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे वो आराम से रहे उसकी अभी व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट वार्ड में उनको रखा के उनको मॉनिटर किया जाएगा और जहाँ तक इनकी है क्रिमिनल की बात है तो उसे अप्रीहेंड कर लिया है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर आनंद सिंह। क्या मामला आया? एक बच्ची आई है कादीपुर से और उसका जो है साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ है, उसी की डॉक्टर कर रहे हैं। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर देहात में मिशन शक्ति पर अपने विचार साझा करते हुए सौम्य बांडे ने बताया कि मिशन शक्ति प्रचार और जागरूक महिला सशक्तिकरण जोरों से जिला प्रशासन के द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी जनपदों में कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों का चयन करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। सामुदायिक शौचालय का बहुत एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर गांव पंचायत में, हमारे यहाँ टोटल 640 गांव पंचायत हैं, सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और स्वयं सहायता समूह को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा शासन आदेश आया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह को सफाई रख रखाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें उनको 6,000 रुपये प्रति महीना के दर से पेमेंट मिलेगा और उनको साफ़ सफाई और रख रखाव रखना है। तो इस तरह हमने हर गाँव पंचायत में खुली बैठक करके स्वयं सहायता समूह को चयन किया है जो सामुदायिक शौचालय का मेंटेनेंस करेंगी। ये महिला शक्ति जो मिशन शक्ति चल रहा है उसके अंतर्गत भी उन महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा कि उनको समानता और सम्मान दोनों की भावना मिलेगी। तो उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जब अभी कमिश्नर महोदय का यहाँ दौरा लगा था उसमें हम लोगों ने कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चयन पत्र दिलवाया था, जैसे कि सीमा बाई स्वयं सहायता समूह अमरौधा में और राधा रानी स्वयं सहायता समूह सरवनखेड़ा में, इस तरह जय माँ सुम्बाहा स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत मारग में और अंश महिला स्वयं सहायता समूह अपने मैथा में, इस तरह तमाम अलग अलग ग्राम पंचायतों में खुली बैठक करके स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है, जिससे वो सामुदायिक शौचालय का रख रखाव करेंगी और 6,000 रुपये मासिक की दर से उनको पेमेंट मिलेगा।
वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन गांधी सभागार में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बेसलाइन सर्वे प्रशिक्षण कार्यशाला का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया, जहां शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों के आधारभूत आंकड़ों को इकट्ठा करने के बेसलाइन सर्वे के लिए चयनित किए गए स्वच्छाग्राहियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिस तरह के शौचालय बनाए हैं और जितने अच्छे से मेहनत किया है, ट्रिगरिंग एक्टिविटी किया है, बिहेवियरल चेंज की जो बात की स्वच्छ भारत फेज वन में, जहाँ पे सब लोग जहाँ खेतों में जाते थे, खुले में शौच करते थे, उस गांव के व्यक्ति को, उस महिला को, उस बूढ़े दादाजी को जो कभी शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया, उनको समझाना कि शौचालय का क्या महत्व है, ना केवल अपनी साफ सफाई के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, एक महिला के सम्मान के लिए, उसकी समानता के लिए। आप लोगों ने जिस तरह मेहनत की है और खुले में शौच से मुक्त किया है कानपुर देहात के लिए, कानपुर देहात को, आप सब लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये आप लोगों की मेहनत और सारे डीसीज की मेहनत है। कानपुर देहात इतने अच्छे से खुले में शौच से मुक्त होके यहाँ तक का सफर तय किया। अब कोई भी सफर जो है अंत नहीं होता है, ये बहुत लंबा चलना है। अभी भी आप लोग देखते हैं शौचालय बन रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविक में उनका इस्तेमाल हो रहा है? कई शौचालयों में ताले पड़े हैं, वहाँ बर्तन रख दिए गए हैं, इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। कागज पे तो खुले में शौच से मुक्त हम हो गए हैं, पर वास्तविकता में शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी भी लंबी चली आ रही परंपरा को, रूढ़िवादी सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमें और मेहनत करने की जरूरत है। और ये जो स्वच्छ भारत फेज 2 है, जिसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, ये बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी जगह का, किसी भी गांव के संपूर्ण विकास के लिए सबसे पहला कदम है स्वच्छता। जो गांधी जी ने कहा था कि क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि स्वच्छता भगवान के नेक्स्ट की तरह है, तो उसको लेके गांधी जी का जो सपना था, आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन का वो लोगो भी हमारा गांधी जी का चश्मा ही है। उनका एक परिकल्पना था कि जब तक हमारे गाँव स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, या महिला सम्मान की बात हो, या शिक्षा की बात हो, सबसे पहला कदम स्वच्छता होता है। और कितनी अच्छी बात है कि आप सब लोग इतने पावन, इतने पवित्र काम से जुड़े हैं स्वच्छता जैसे। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और थी, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है पूरी स्वच्छ भारत टीम से मिल के यहाँ पे, और सारे डीसी से जो मैं मिली हूँ, बहुत मेहनती हैं ये लोग और बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं, और जितने खंड प्रेरक हैं, जितने स्वच्छाग्रही हैं, आप अपना नाम देखिए, स्वच्छाग्रही कितना अच्छा नाम है। और ये नाम हमारे वो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उससे लिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा था, स्वच्छाग्रही, स्वच्छता के लिए लड़ने वाला, स्वच्छता सत्याग्रह से, जैसे सत्य की लड़ाई थी वैसे स्वच्छता की लड़ाई है। तो जो डिटेल है वो तो प्रशिक्षण में बताया जाएगा, जियो टैगिंग कैसे करनी है, बेसलाइन सर्वे कैसा करना है। मेरा सिर्फ यहाँ एक चीज़ है आप लोगों से अनुरोध, कि कागजी चीज़ों को तो करिएगा, पर वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश करिएगा, कि जो एक परिकल्पना है नो वन लेफ्ट बिहाइंड, NOLB, कोई अगर छूटा हो तो वास्तव में उस तक शौचालय पहुँच जाए, गाँव में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाए, जो गंदगी इधर उधर पड़ी रहती है उसका सही तरीके से उपयोग होके, एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्ट टू वेल्थ का, कि कूड़े से कैसे सोना बनाया जा सकता है। तो अगर गांव में जितनी भी गंदगी निकलती है उसको खाद में कन्वर्ट करके किसानों को दे दिया जाए, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि लोगों के दिमाग में जो एक है कि शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अभी भी खुले में शौच में जा रहे हैं, उसको बदलने की परिकल्पना जरूर करिएगा। ट्रिगरिंग वगैरह आप सब मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, किस तरह से ट्रिगरिंग करके बिहेवियर चेंज कराया जाता है, लेकिन इस बार कागजी से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि चीज़ें वास्तविक ग्राउंड पे हों, और वो तभी होंगी जब आप मन से ठान लेंगे कि ये चीज़ हमें करना है। प्रशिक्षण की डिटेल्स आप लोग किसी साहब बताएंगे, चूँकि अभी मुझे निकलना है, आंगनबाड़ी में खाद्य वितरण का एक हमें शुरू कराना है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ कोई समस्या हो मैं हमेशा मौजूद हूँ, मेरे नंबर सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ तो उसमें भी जोड़ दीजिएगा। आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण अटेंड करिए, जो बारीकियाँ हैं समझिए, DCs आपके साथ हमेशा हैं गाइडेंस के लिए। और आप सब लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की।
आसमान छूटेगा, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। जय हिंद जय। कानपुर देहात से के न्यूज संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।